TTb RAUFLALA. Hey guys, subscribe the channel TTb RAUFLALA and press the bell icon for the latest video updates. Thank you. Hi guys, this is me Tushar Bagai and you're watching my channel TTb RAUFLALA. I'm back again with my another video. And guys, today in this video I'm going to unbox a GORILLAPOD. Yeah, dosto, maine ek GORILLAPOD ko purchase kiya hai Amazon website se, jiski company ka naam hai Sicher aur wo 10 inch ka GORILLAPOD hai. To dosto, dekhte hain aaj is parcel mein hum logo ko kya kya mila hai jo ki aaya hai Amazon ki taraf se, aur dekhte hain aaj is box mein kya kya hum logo ke liye available hai. ये ट्राइपॉड मैंने दोस्तों अमेज़ॉन से मंगवाया है जो कि 499 रुपीस का मेरे को पड़ा और ये सिचर कंपनी का है, 10 इंच इसकी हाइट है. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट्स अनबॉक्सिंग. अमेज़ॉन की तरफ से एक बिल जो है रुपीस 499 रुपीस का, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं. ये ट्राइपॉड है सिचर कंपनी का जो 10 इंच का है और इसकी बिलिंग कॉस्ट है 499 ओनली. तो इसको रखते हैं हम साइड में. अब देखते हैं इसके बॉक्स में. तो दोस्तों, बॉक्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सबसे पहले सिचर गोरिल्ला ट्राइपॉड स्लैश मिनी ट्राइपॉड 10 इंच रुपीस 999. जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो 999 रुपीज़ का है. इसका एक्चुअल वेट है 300 ग्राम्स जो कि यहाँ पे मेंशन है. और ये मेड इन चाइना है, ये चाइना का प्रोडक्ट है. अनफॉर्चुनेटली, काश हमारी इंडिया की कंपनी भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सके. तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके कि मेरे को इस बॉक्स में क्या क्या मिला. तो दोस्तों, यहाँ पे बॉक्स खोलने पर ही हमें मिलता है ये गोरिल्ला ट्राइपॉड जो 10 इंच का है सिचर कंपनी का. साथ ही साथ में हमें बॉक्स में मिला है एक मोबाइल माउंट होल्डर. हम इस होल्डर को इस गोरिल्लापॉड पे माउंट करके ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इवन वीडियो शूट कर सकते हैं, जो हमें करता है और भी इजी. एनी टाइम हम कभी भी किसी भी चीज़ को शूट कर सकते हैं इफ़ वी आर नॉट कैरिंग अवर कैमरा. इसको साइड में रखते हैं. अब देखते हैं आगे कि ये पॉड कैसा है. काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है. तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सिचर का 10 इंच का GORILLAPOD. यहाँ पे लिखा है सिचर जो कि एक ट्रेडमार्क है. इसमें स्पेशलिटी क्या क्या है दोस्तों, ये 360 डिग्री मूवेबल है. इसमें एक स्पेशल फीचर ये दिया गया है कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ब्लॉग करते करते आपको कोई फ़ोटो खींचनी है तो आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके इस जैक को बाहर निकाल सकते हैं. तो दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा फीचर है इस GORILLAPOD के अंदर जो कि सिचर कंपनी का है. आप इस जैक को वापस से अंदर इंसर्ट करके इसको फिक्स कर सकते हैं. साथ ही साथ में इसके जो लेग्स की जो क्वालिटी दे रखी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है. इसमें यहाँ जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं, ये रबड़ है, रबड़ मटेरियल का है. और ये जो ब्लैकिश कलर का है, ये एक अच्छे प्लास्टिक मटेरियल का है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका एक ये जो लेग्स के नीचे जो रबड़ है काफ़ी अच्छे क्वालिटी की है और ये फिसल नहीं सकता. तो ये एक अच्छी चीज़ है इस पॉट के अंदर. तो दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये पॉट सिर्फ आपको 500 रुपीज़ में मिल रहा है. और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि काफ़ी हार्ड तरीके, काफ़ी हार्ड है इसका जो भी मटेरियल है, जो भी इसमें यूज़ किया गया है मटेरियल को, काफ़ी हार्ड मटेरियल है और बहुत ही अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ है. यहाँ पे हम इसको किसी भी तरीके से मोड़ के कैसे भी इसको रख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको मैंने इस पोजीशन पर रख दिया. और अगर मैं अगर अपने हाथ से भी प्रेस करूँ तो इस हाथ में अभी तो नहीं बता सकते कि कितना वज़न लग रहा है, बट हाँ, ये नीचे जा रहा है.
बट आई थिंक कि अगर मैं इसमें कैमरा माउंट करूँगा तो वो नीचे नहीं जाएगा। तो बात करते हैं इस मोबाइल होल्डर की, जो जिसको हम ऐसे माउंट कर सकते हैं। इसमें हमें मिले हैं दो तरफ से हमें इसमें होल मिले हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। हम इसको ऐसे भी फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोबाइल होल्डर फिक्स। इसमें मैं आपको मोबाइल भी लगा के दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये होल्डर मिला है हमें। ये नहीं कि बहुत ढीला हो, बहुत बुरा सा हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये होल्डर है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल को माउंट कर दिया है इस गोरिल्ला पॉड के ऊपर और इट्स नाउ रेडी टू यूज़। तो काफ़ी अच्छा है, हम इसको कैसे भी मोड़ सकते हैं। 360 डिग्री इसका पूरा मूवेबल हेड है। हम चाहे इसको ऐसे भी रखें, कैसे भी रखें, तो ये नहीं गिरेगा मोबाइल आपका। चलते हैं आगे। अब दोस्तों मेन टेस्ट आ गया है कि जो हम लोग गोरिल्ला पॉड खरीदते हैं बेसिकली वो क्यों खरीदते हैं। वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम लोगों को करनी होती है व्लॉगिंग, हम लोगों को बनानी होती है वीडियोज़, और वो भी ऐसे ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पे ट्राईपॉड ले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई ये प्रोडक्ट को ईजाद किया गया है। तो अब हम इस पर माउंट करेंगे अपना कैमरा और देखते हैं कि इसमें कितनी जान है। दोस्तों अगर छोटे कैमरे की बात करें तो मेरे पास यहाँ पर है सोनी का एक साइबर शॉट, जिसको मैं इजीली अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ अपने व्लॉगिंग वीडियो के लिए। यहाँ पे मैंने अपने साइबर शॉट को इस गोरिल्ला पॉड के ऊपर माउंट कर दिया है। तो ये फिक्स हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप मेरा पॉड, मेरा कैमरा फिक्स हो चुका है इस गोरिल्ला पॉड के ऊपर। और अगर मैं व्लॉगिंग की बात करूं तो मैं इसको अच्छे से व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकता हूं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रखी है, इसको पकड़ने के लिए कोई इशू नहीं आ रहा है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये जो वाइट रबर्स हैं यहाँ पर, ये आपको हेल्प करती है एक्स्ट्रा ग्रिप देने के लिए। वेल, छोटे कैमरे के लिए तो ये बेस्ट है। आप देख सकते हैं इसको कहीं पर भी आप फिक्स कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। और अगर बात करें इसको हम कहीं पे भी माउंट करने के लिए, इस गोरिल्ला पॉड कहीं पे भी माउंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे हमें किसी ग्रिल पे इसको माउंट करना है, फॉर एग्जांपल ग्रिल आपकी ये है और इसको गोरिल्ला पॉड को मोड़ के अगर इसको माउंट करना है तो वो ऐसे भी माउंट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्रिल है, ग्रिल इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा हाथ एक ग्रिल है और मुझे इस गोरिल्ला पॉड को ऐसे माउंट करना है। तो इसकी माउंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रबर्स आपको दे रखे हैं ये बेसिकली इसको होल्ड करने, किसी भी सरफेस को ये होल्ड कर सकता है। रबर जो है एक अच्छा मटेरियल माना जाता है, किसी भी चिकनी सरफेस को अगर आप उसको घिसेंगे रबर को तो वो काफ़ी हार्ड तरीके से आदि होती है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये, ये एक इसकी स्पेशलिटी है इस गोरिल्ला पॉड की। अब बात करते हैं दोस्तों मेन बात की, जो कि आप सारे जितने भी व्यूअर्स हैं इस वक्त जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि क्या भाई ये गोरिल्ला पॉड कैनन 5D मार्क 3 जैसे कैमरे को बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये देख दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको एक असली बात बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आप शिचर का ये वाला ट्राइपॉड खरीदेंगे तो प्लीज मत खरीदेगा, क्योंकि इस पे 5D मार्क 3 का वेट बिल्कुल भी नहीं बेयर हो सकता। एज यू ऑल आर सीइंग कि ये जो गोरिल्ला पॉड है बेसिकली बन चुका है छोटे कैमरों के लिए, हम इस पे 5D मार्क 3 को नहीं माउंट कर सकते। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस गोरिल्ला ट्राइपॉड पे अगर हम 5D को माउंट करेंगे या उसके सिमिलर कोई भी कैमरा माउंट करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं संभलेगा गोरिल्ला ट्राइपॉड, ये वाला स्पेशली गोरिल्ला ट्राइपॉड उसको बिल्कुल नहीं बेयर कर सकता। ये स्पेसिफिकली बना है मोबाइल्स के लिए, स्पेसिफिकली बना है छोटे कैमरों के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका साइबर शॉट या फिर कोई भी हल्का कैमरा जो इस पर आराम से माउंट हो सके। तो दोस्तों ये गोरिल्ला पॉड इतना भी बुरा नहीं है, 500 रुपये में आपको ये गोरिल्ला पॉड मिल रहा है, तो ये गोरिल्ला पॉड वर्थफुल है जस्ट फॉर स्मॉल कैमरास एज वेल एज फॉर योर मोबाइल। तो अगर आप मोबाइल से या छोटे कैमरा से अगर आप लोग व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको किसी को ये इन्फॉर्मेशन देनी हो कि भाई अगर तू वो गोरिल्ला पॉड परचेज कर रहा है तो प्लीज़ एक बार सोचना है, क्योंकि उसको ये वीडियो दिखाना वो क्लियर हो जाएगा कि इस पे जो कंपनी कहती है 1 kg तक इस पे वेट बियरेबल है, तो आई डोंट थिंक सो। मैंने अभी आपके सामने दिखाया कि 5D Mark 3 इस पे जब मैंने माउंट किया तो वो बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं स्टेबल हो रहा था एक जगह। तो अगर कंपनी आपसे कहे तो उनके राय के साथ आप मत जाइए, उनके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए। मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने इस गोरिल्ला पॉड को परचेज इसलिए किया था क्योंकि कंपनी ने मेरे को कहा था कि यस इट कैन बेयर द वेट अप टू 1 kg, ये 1 kg तक वजन सह सकता है। बट आई डोंट थिंक सो, मैंने आपके सामने अभी दिखाया जो कि ये वजन नहीं सह पाया। So guys, that's all information in today's unboxing video. Hope you liked my information. अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ सवाल हैं इस गोरिल्ला पॉड के लिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इस वीडियो को आगे शेयर करनी हो किसी फ्रेंड को, तो प्लीज़ आप बिना हिचकिचाए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको मिले मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स एकदम टॉप पर। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।